الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق इस सूरे का सूरे मोमिन का तीसरे रुकू की इब्तदा हो रही है। कुरान में जो रुकू के लिहाज से जो तकसीम हुई है इसका असल कुरान से लेना देना नहीं है, इससे शरीयत से कोई उसका राबता ताल्लुक नहीं है। और इतनी बात है, हर सूरे में हर पारे में अल्लाह ताला जो जिक्र फरमाते चलते हैं तो कुछ मजमून की भी हैसियत होती है। देख, मजमून की मुनासिबत से रुकुओं में तकसीम कर लिया गया, उसमें दीन में कोई हरज और दखल वाली बात नहीं होती। जब ये बात वाज़े हो गई तब ये तीसरे रुकू की इब्तिदा हो रही है। इस सूरे मोमिन के दूसरे रुकू में वजाहत ये थी आखिरत का अजाब, हश्र के मैदान का मंजर, लोगों को इकट्ठा किए जाने का मामला, सारी कायनात आज जिस शक्ल ढांचे में वो नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, एक बसीत फैली हुई जमीन होगी, कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई टीला नहीं, कोई नाला नहीं, कोई गड़ा नहीं, सारे इंसानी मखलूक को जिन जिन से हिसाब लेना है और सबसे लेगा अल्लाह ताला, क़यामत तक के जो भी आएंगे इंसान सबको साफ चटेल मैदान में सबको जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक का बंदों के सामने जलवा होगा, जाहिर होंगे, हिसाब किताब होते रहेगा। उससे पहले सबसे पहले सारे इंसानों से कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन पूरी तरह इख्तदार सुल्तानियत बादशाहत किसके लिए है। दुनिया में हमने आर्जी तौर पर किसी को कुछ एक को दूसरे के मुकाबले में ताकत दी, पावर दिया, जोर दिया, इख्तदार दिया, समझ बैठे कि हम सब कुछ हैं, मनमानी करने लगे, वजात के जाने के बावजूद भी समझ नहीं पाए। तो आज हर चीज़ का हिसाब किताब होगा वगैरह वगैरह, फैसला कैसे होगा वो तफसीलात गुजर चुकी। तब ये तीसरे रुकू में, ये तो आखिरत में होने ही वाला है, लेकिन इंसान के बदअमली, बदफिक्री, बदअकीदगी, बेराहरवी, गफलत, गुनाह, शरारत, इसकी भी सज़ा का एक हिस्सा होता है जो आखिरत की सज़ा से उसका ताल्लुक नहीं। उसको भी कहेंगे अल्लाह ताला का अज़ाब। तो दुनियावी अज़ाब से मुताल्लक ये तीसरे रुकू के अंदर ये तफसील। आज की इस पहली आयत के अंदर एक इजमाल के साथ, फिर दूसरी आयत से शुरू होती है बात नमूने और वजाहतों के साथ। तो अब जो आयत शरीफा तिलावत कर दी गई उसमें जिक्र है जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ तो उस वक़्त अरब कौमें
मुखातब थी, मुराद थी। उनके चाल चलन को, उनके तौर तरीकों को, उनके आदतों अतवार को मलूज रखते हुए मनशा खुदाबंदी का इजहार कर दिया गया, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया। क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बनाकर अब उस जैसी चीज़ पर क़यास करो, सारी दुनिया के हर इलाके के, हर मुल्क के, तमाम इस क़स्म के अक़वाम के लिए इस जैसा मामला अल्लाह ताला करते हैं। तर्जुमा है, क्या ये लोग इस ज़मीन में या दुनिया में सैर व सियाहत नहीं करते, आते जाते नहीं? आज भी ग़िज़ा की सप्लाई सारी दुनिया के आपसी ताबुन से इस मुल्क से उस मुल्क में, उस मुल्क से उस मुल्क में, ये सप्लाई लाइन है। की भी सप्लाई लाइन बड़ी मजबूत है। पैसों की अहमियत क्या है? चीज मिलना, सहूलत से फराम होना, वरना पैसे दौलत सोना चांदी रख लेकर करोगे क्या? जब इंसान की जिंदगी की जरूरियात को तकमील करने वाली चीजें ना मिले तो इसको कहते हैं सप्लाई लाइन। तो इसी तरह सारे के सारे अरब भी अपने मुल्क के लिए इधर के लोग इधर की चीज़ें ले जाते, मुल्क शाम वगैरह अतराफ अकनाफ के ममालिक को जाकर यहाँ कौम की ज़रूरत की चीज़ें कौन करते? ताजिर तबका। ताजिर तबका ही बड़ा है, ये मुलाजमीन गिनती के चार होते हैं। तो जिंदगी का चलने वाला असल शोभा बिजनेस है। मुसलमान इसके समझने में कमजोरी कर रहे हैं, मिजाज में खून में गुलामी वाली कैफियत पैदा होगी। उसके पैर पकड़ लिया, उसके पास दो घंटे चार घंटे काम कर लिया, चार छः पैसे मिल गए, खुश हो गया। करना है, मेहनत करना है, लेकिन एक कस्म की जिल्लत वाला काम है। किसी के ताबे रह कर, डांट डपट रह कर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ास तौर पर अपने कबीले के लोगों को, ऐ कबीले बनी कुरैश, अपने हाथों से तिजारत को हरगिज जाने मत दो। ये भी वजाहत हुई, अल्लाह ताला ने सारे रिज़्क़ को 20 हिस्सों में तकसीम फरमाया, 19 हिस्से बिजनेस लाइन में छे, आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है, जितना चाहे कमाओ। इसलिए लोगों पर गिनती से बाहर दौलत है, आज भी है, क्यों? बिजनेस के जितने तरीक़े हैं उसको अपनाते हैं। ये नौकरी गुलामी की तरफ नहीं, इसमें से 19 इसमें है, एक हिस्सा ये नौकरी चाकरी और गुलामी, उसमें हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये नदियां भी कोई 40 साल के आगे पीछे, 50 साल के अंदर ही आगे बढ़ा, वरना हर ममलकत के अंदर किसी को भी नौकरी ले कोई भी कबूल नहीं करता। ये गुलामी करेंगे हम, ये गुलामी करेंगे, ये गुलामी करेंगे। हम आज़ाद रहकर जिंदगी को आज़ादाना गुजर बसर करेंगे, लेकिन हम तो सारी फितरत बदल गई। हम गुलामी के औलाद हैं, हम गुलाम हैं, गुलामी कबूल करते हैं, गुलाम बनकर
एक घूंट पानी, धोने वाले पानी, धोने वाले खाना हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए बड़ी मेहनत, जद्दोजहद, तरबियत, दुनिया जिन 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 चीज़ों से जुड़ी हुई उसमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत चोरों के लिए कुछ भी नहीं। अलगरस तो यहाँ पर जो मुनासिब थे तो ये जाते थे आते थे, जब गए तो क्या दिखता था, पूरे रास्तों से गुजरते, पूरे बखरियों से गुजरते, पूरे खदीम बिल्डिंगों से गुजरते, वीरान बस्तियों से गुजरते, पुराने गुजरे अकवाम के आसार खदीमा को देखते। आज भी दुनिया के हर मुल्क में है मौजूद। और वो क्या निशाना थे, बड़े बड़े कमाल के लोग थे वो। अब उनको म्यूजियम की शक्ल में उनके इस्तेमाल की चीज रखे देख रहे हैं। मैं हिस्ट्री का तालिबे इल्म भी हूँ, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री कैसा बनती। सालार जंग म्यूजियम खदीम चीज़ों को लोगों से जुड़ी हुई थी जमा करके रखा, जो ममलकत शाही खानदान से जुड़े हुए थे। सात गुंबद, शाहों की बादशाहों की मज़ारें थी, ताकत और पावरफुल थे, बड़ा दम खम रखने वाले, बड़ी हिम्मत वाले लोग इस तरह सारी दुनिया में फैले हुए। आप जाके पिकनिक करने जाते हैं, जो बाकी रखे गए इबरत के लिए बाकी रखे अल्लाह ताला ने, तो वही जिक्र करते हैं अल्लाह ताला इनके ऊपर क्या गौर फिक्र नहीं करते, जाके करो, एक ही सबक मिलेगा। कैफ काना आखिबतुल्लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, जो इन लोगों से पहले यानी आपसे पहले जो गुज़री हुई क़ौमें आखिरकार सब कुछ कर लिए, हुआ क्या, हुआ क्या। फिर हम सुल्तानपुर, हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत की है, हमारी मकामी जमाती बोलती है। सुल्तान सलाहुद्दीन साहब का ख़ास जुमला था तखिया तकरीर के अंदर, अरे हमने भी हुक्मरानी की है, हमने बादशाह चलाई है। तो क्या सुल्तान सलाहुद्दीन बादशाह था इस धकन की सरजमीन के ऊपर? जो बादशाह थे गुजरी उधर इशारा करके कहते थे कि मुसलमान थे तो हम मुसलमान हैं। हम दुनिया में क़ुव्वत और ग़लबा रखने वाली कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं मगर आप हैं क्या? वो थे तुणुम का थे, तुम हैं क्या? तो अल्लाह ताला फरमाता है अब उनके नशानों अलामतों को देख के कैसे गौर नहीं करते, क्या गौर करना है, आखिर में अंजाम हुआ क्या, क्यों नहीं रही बादशाहत बाकी, ये एजाज कौन ख़त्म करना चाहता है? जिसने दिया था उसने ले लिया ना, जब दिया था तो इंसानियत को हुदूद पार कर गए ना तुम, तुम्हारे नतीजे में तुमसे जुड़ी हुई नस्लें जलील खार होकर चलेंगी। ये नमूने बार बार पेश करता कुरान। और एक बात सुन लो, कानूम अशद्दु मिनकुव्वा, तुम्हारी ताकत क्या कीजिए, तुम तो चूजे हो, बदनी क़ुव्वत में, माली क़ुव्वत में, दिमागी क़ुव्वत में तुमसे बहुत ज्यादा खबी लोग गुजरे। आसारन फिलर्स दुनिया के अंदर अपने निशाना बना के छोड़े हैं, तो इसी को ले लो। 100 साल पिछली तारीख बयान करती है मस्जिद, पहले
1328 ईस्वी की बुनियाद करके बताते हैं आप, वोट भी लगाए हैं, जब से चल रही है आज भी आप बनाते मस्जिद, ये सलाहियत नहीं है आप में बनाने की। जब कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं था, अब तो सब इंजीनियर हैं, सर्टिफिकेट है, मानो बोलते कुछ भी नहीं है। किसको कहते हैं इंजीनियर? मिस्त्री को कहते हैं। सिविल इंजीनियर बोले मिस्त्री का नाम है वो, अंग्रेजी में नाम बदल लिया आप। अलगरत कानो हम अशद्दो मिन्नुम खुब्बा, वो खुब्बत में तुमसे बड़े थे, और उन्होंने जो कुछ किया अपनी जिंदगी में नमूने भी छोड़ के गए ना, उसकी नुमाइश करके पैसे कमा के खाओ, चार महीना भी बना छोड़े ना। ये तो वहाँ पर वहाँ के कौमों को हालांकि बर्बाद किए, सो वहाँ के कौमें बर्बाद हुए सो नमूने, ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह फरमाते फाखज़हुमुल्लाह बिज़ुनूब, इनकी शरारतें, गुनाह, गैर इंसानी हरकतें, गलत सोच फिक्र, नफ्स परस्ती, ज़ालिमाना कैफियतें, ज़ुल्म ज़्यादती वगैरह वगैरह, इन जैसे गुनाहों की कसरत अल्लाह ने मोहलत दी 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 दी। आप कहते हैं कि इतने 100 साल गुजरा हमने किया, तो अल्लाह ने बस इसको बुनियाद बनाकर ये एहसास वाली कैफियत को छीन लिया, उनको निस्तो नाबूद कर दिया ना। ये नमूना जिक्र कर कर मौजूदा इंसान को तालीम और सबक देना है, और जब अल्लाह तआला इसकी पकड़ करना चाहते हैं, अज़ाब में मुब्तला करके हलाक को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तो सारी दुनिया मिलकर भी उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई भी बचाने वाला नहीं हो सकता। रहम करने वाली ज़ात अल्लाह की, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की, तो अल्लाह के दामन को थामो। फिर तफसील भी पेश करते हैं, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा होता क्यों है, दोनों बातें। कहना तातीम रसूलुम बिल बगीनात, हकायक इंसानी हकीकतें समझाने के लिए सारी वजाहत दलाइल के साथ अल्लाह ताला हर एक के पास गाइड करने वाले भेजें, रसूलों को भेजें, नबियों को भेजें, नबियों के कलाम को बाकी रखें। परवाह नहीं किया, पक्का फरू आज भी परवाह नहीं कर रहे, कहलाने वाले मुसलमान भी आज भी नहीं परवाह कर रहे। चुनाचे अल्लाह ताला ने आखिर में उनको अपने अजाब की गिरफ्त में पकड़ लिया। इन्नहु खबीयुन शदीदुल इक़ाब, जब वो गिरफ्त करते हैं तो ताकत में सबसे सबसे बढ़कर है, कोई बच नहीं सकता। और जब अजाब देते हैं इंतहा शदीद कस्म का होता, जिंदा लोग देखे तो देखने की भी ताब नहीं रखते। यहाँ तक जिक्र कर दिया गया, अब इसी तस्करे की तफसील के लिए नमूने में पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की, देखो इनके पास रसूल भेजे थे ना, कैसे कैसे शरारत करे, उनको समझाने के लिए ने क्या क्या किया। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा था ना, इन लोगों ने क्या किया। अब कई रुकू तक इसकी वजह तो तफसील डिटेल अगले आने वाली आयत से सिलसिला चलता जाएगा। सुभानअल्लाह।